गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूजन यूट्यूबर एम दिया चावला। सो टुडे आई एम गोना शेयर फ्यू लिपस्टिक्स। एक्चुअली आई हैव 11 लिपस्टिक व्हिच आर अंडर 300 रुपीस। इसमें आपको रेड्स, ब्राउन्स, मोव, पिंक, सारे न्यूड शेड्स भी आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द रिव्यू। बट बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। सो द वेरी फर्स्ट शेड आई हैव इज अ वेरी पॉपुलर वन एंड नाउ इट्स अ कॉमन वन बिकॉज इट्स अ मेबलिन कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट्स में से है ये न्यूड नुआंस शेड विच लुक्स लाइक दिस। I done a क्या कहते हैं कंपेरिजन वीडियो माई ऑन माई चैनल बिफोर दिस वन, सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। विद द पर्पल का 4 AM पार्टनर, इट वॉज अ ब्राउन, दिस वन ऑल्सो अ ब्राउन लिपस्टिक बट इट्स अ ब्राउन न्यूड लिपस्टिक। बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। इट रिटेल्स फॉर 299 रुपीज़ एंड इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करके रखता है। प्लस इन को यूज़ करने के बाद में ना आपके लिप्स पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। सो इट्स अ येस एंड इट्स अ डेली वेयर ऑफ न्यूड कलर, सो बड़े आराम से विद और विदाउट मेकअप आप इसको कैरी कर सकते हो। द नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज ऑल्सो फ्रॉम मेबलिन, इट्स द सेम रेंज क्रीमी मैट्स एंड इट्स इन दिस शेड टच ऑफ स्पाइस। इट्स अ पिंक कलर एंड इट लुक्स लाइक दिस, वेरी प्रिटी पिंक कलर, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी न्यूट्रल पिंक बट इट्स रियली गुड। इट्स ऑल्सो क्रीमी, इट्स ऑल्सो वेरी पिगमेंटेड, आपके लिप्स पे अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाएगा एंड इट ऑल्सो इन अंडर रुपीज़ 299 और 300, सो इट्स अ ये। नेक्स्ट आई हैव दिस लिपस्टिक बाय NY बे इनटू शक्ति कलेक्शन। इट्स अ वेरी वेरी नाइस पिंक कलर, ब्राइट पिंक कलर, मींस मेरे लिप पे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, मेरे मम्मा के लिप्स पे थोड़ा कम ब्राइट लगता है, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर। The name of this lipstick is Forte and the number is 15. The formula of this lipstick is very like hydrating on the lips but at the same time it's matte, और जो इसका look है वो भी मतलब overall जो ये look देती है ये matte का ही देती है, besides it moisturizes your lips as well, so yeah. Now I have two lipsticks from NY Bae into Runway range. उनकी जो रनवे रेंज है उसमें से ये दो लिपस्टिक्स हैं। वन इज दिस, वन इज आई थिंक स्टेज वेयर, इट्स अ पिंक न्यूड कलर। अदर शेड ऑफ द सेम रेंज आई हैव इज दिस, ब्राउन तो नहीं पर न्यूड है, इट लुक्स ब्राउन, इट्स अ प्रॉपर न्यूड कलर, लिप्स पे भी प्रॉपर न्यूड कलर आता है एंड द शेड इज ट्रेंड्स नंबर 4। सो द पिगमेंट ऑफ दिस इज ऑल्सो गुड बट ये आपको 2 से 3 स्वाइप में ही पिगमेंट आपको अपने लिप्स पे देखने को मिलेगा एंड दिस शेड इज लाइक वाओ, लाइक फॉर मी आई जस्ट लव न्यूड कलर्स, न्यूड ब्राउन कलर्स, न्यूड पिंक कलर्स, सो आई लव दिस शेड वेरी वेरी मच। इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स। The next lipstick is also from NY Bae into Shakti's collection and this is the lipstick, it's a liquid one and the name of this lipstick is Fab Freestyle 12. It was my favorite in 2020 or 2021, around usi year ke aas paas mein, matlab in dono ke year ke aas paas mein maine ye wali lipstick li thi and it was my favorite. Iske sath I think maine Sassy Samba Gadke name ki lipstick bhi li thi, that was तो मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, अभी तक मेरी फेवरेट है बट आई डोंट नॉट हैव दैट लिपस्टिक विद मी राइट नाउ। एनीवेज द वैंड ऑफ दिस लिपस्टिक इज लाइक व्हाट से डो फुट एप्लीकेटर, वैसी सी ही इसकी वैंड है, बहुत अच्छे से ये आपके लिप्स पे लग जाती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, लाइक लगाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है बट आपको इसका जो पिगमेंटेशन है ना, अगर एक बार डिप करा तो अपर लिप के लिए
करेगा, कवर करेगा। दोबारा डिप करोगे तो लोअर लिप कवर करेगा, अदरवाइज इसका जो पिगमेंट है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है। इट सेटल्स टू कम्प्लीटली मैट एंड ये थोड़ा बहुत थोड़ा ट्रांसफ़र होती है चीज़ों पे। सो इट्स अ गुड लिपस्टिक, यू कैन ट्राई, एंड द कलर इज़ ऑल्सो गुड, लाइक इट्स अ पिंक न्यूड लिपस्टिक। सो आप इसको किसी भी फंक्शन पे, पार्टीज पे आराम से वेयर कर सकते हो। प्लस इसको आप बेयर फेस या विद मेकअप वाला फेस भी आराम से वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट लिपस्टिक इज वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक मेरे बहुत सारी लिपस्टिक्स फेवरेट हैं, बट दिस वन इज लाइक सेकेंड और थर्ड नंबर फेवरेट। आई थिंक इट्स सेकेंड नंबर फेवरेट फॉर मी, एंड इन सो मैनी वीडियोज़ आई वॉर इट एंड पीपल आस्क मी, दिया कौन सी लिपस्टिक है यार, जल्दी बताओ दिया कौन सी लिपस्टिक लगा रखी है। नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट अदर सोशल एप्स ऑल्सो, जहाँ पे मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, सो दे ऑल आस्क। दिस इज़ एन वाई बे लिक्विड लिपस्टिक, इट्स प्राइम प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक रेंज उसमें से है, एंड द नेम ऑफ दिस लिपस्टिक इज़ रूल ऑफ लाइफ 10। इट्स अ वेरी गुड मॉव कलर, मॉव भी न्यू न्यूड मॉव कलर है, एंड दिस इज सो गुड। द वैंड इज लाइक क्या, स्पैचुला, सिंपल स्पैचुला वैंड है, बट इट्स रियली अमेजिंग, द कलर इज रियली अमेजिंग। इट सेट्स मैट बट कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होती है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ, इट्स अ लिटिल बिट क्रीमी बट वॉटरी एट द सेम टाइम। अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ करते हो तो प्लीज़ इसको रेफ्रिजरेटर में रख लेना, सो डैट ये थोड़ा सा ना क्रीमी फॉर्म में ही रहे, अदरवाइज गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पानी पानी सी लगती है, ना अगर आप हल्का सा लगाते हो तो वो फैल जाती है, सो इट नॉट लुक गुड। अदरवाइज दिस लिपस्टिक इज़ द बेस्ट। आई हैव वन अनदर शेड, द नेम आई फॉरगॉट, बट दैट डजंट सूट मी, सो आई जस्ट डोंट वेयर इट, आई वेयर दिस, एंड दिस इज़ माई फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट। बहुत अच्छा लुक देती है, प्लस ये आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं कराती, ड्राई फील नहीं करवाती। इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला वन, सो यू कैन ट्राई दिस वन। माई नेक्स्ट फेवरेट और से माई नेक्स्ट अंडर 300 रुपीज़ बजट वाली लिपस्टिक इज दिस। दिस इज टेक और की किस एंड टेल लिक्विड लिपस्टिक। आई एम इन दिस शेड ही इज़ नॉट माइन नंबर 10। सो दे बोथ लुक सिमिलर बट इट्स अ डार्क वन, इट्स अ मोविश न्यूड, एंड दिस वन इज़ अ प्रॉपर न्यूड एंड इट टर्न्स टू अ पिंक न्यूड शेड। जब ये प्रॉपर सूख जाती है आपके लिप्स पे, ये थोड़ी सी ड्राई करती है। आई डोंट नो वाई, स्टेक और की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं ना, या पर्पल की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी लिप्स पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई लगती हैं, अगर आप लिप बाम लगाओ उसके बाद भी। सो सेम एज दिस, इसके केस में भी वही काम है, बट इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इसको डो फुट एप्लीकेटर बोलते हैं, एंड इट बिट कर्व्ड, सो बहुत अच्छे से आपके जो लिप्स पे ना ग्लाइड ऑन हो जाता है, बहुत स्मूथली ग्लाइड ऑन होता है। इसकी इतनी परफेक्ट एप्लीकेशन होती है लिप्स पे, डैट आई लव इट सो मच। मोस्ट मोस्ट फेवरेट एंड दिस वन इज़ माई नंबर वन फेवरेट। पहले मैंने इसका मिनी वर्जन लिया था, डैट इज़ इन अंडर 300 रुपीज़, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी मिनी वर्जन नहीं है, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने फेंक दिया। मेरे पास फुल वर्जन है इसका। दिस इज़ नाइकाज लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड गुल 17। वेरी 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 प्रिटी पिंक कलर। द फॉर्मूला इज रियली लाइक क्रेजी, बहुत लाइट है, आपके लिप्स पे फील नहीं होता आपने कुछ लगा रखा है। पिगमेंट बहुत अच्छा है, इवन खाने के बाद में भी आपके लिप पे वो पिंक पिगमेंट रह जाता है, सो इट लुक्स रियली रियली गुड। एंड बहुत इसका स्टे बहुत अच्छा है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है इसका, थोड़ा क्रीमी कम वाटरी फॉर्मूला है, बट इतना भी नहीं कि ये फैल जाए, एंड ड्राई होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगती है। एंड आई वॉर दिस ऑन माई दीदीज वेडिंग ऑल्सो, जब मैंने मेकअप लुक किया था साड़ी वाला ग्रीन। आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आई बटन, देख लेना, तो उसमें मैंने ये वेयर किया है, एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट, दैट्स वाई मैंने इसका फुल साइज ऑर्डर किया एंड रख लिया। जो इसका मिनी वर्जन है वो आई थिंक 239 रुपीज़ में आता है, सो यू कैन ट्राई डैट ऑल्सो। पहले वो वाली ट्राई कर लो, अगर आपको पसंद आता है, आपको शेड अच्छे लगते हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ फुल साइज़ वन।
Now I have this lipstick from NY Bay Runway range ही, but this one is a liquid one. ठीक है, इसकी ये वाली runway की liquid है and this is in the shade Coney Island Vibrant Style 8. The name is very very long, but let me show you. डो फुट एप्लीकेटर, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छी जो इसका शेड है वो बहुत अच्छा है. इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट ब्राउन, इट्स नॉट मैरून, इट्स मिक्स. ये तीनों शेड का मिक्स है, बट इट ऑल्सो नॉट रस्ट रेड कलर जो भी होता है उसमें भी नहीं है. आई एम नॉट वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग दिस काइंड ऑफ शेड, बट इट्स वेरी वेरी गुड. बहुत मेकअप्स के साथ में ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने बहुत लाइट मेकअप किया हो या आपको बेयर फेस लिपस्टिक वेयर करनी है. इफ़ यू आर मैरिड देन दिस शेड इज़ फॉर यू, इट्स वेरी गुड. द ओनली थिंग इज़ इसके जो लिपस्टिक है ना वो आपके लिप लाइंस में और से लिप रिंकल्स पे बैठ जाती है, उसी में चली जाती है, एंड देन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है इसको उतारना या लगाना. इट सेटल्स ऑन योर लिप रिंकल्स, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड, स्टेज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड डजेंट ट्रांसफर ऑन एनी थिंग. सो या My next lipstick is also from Stay Quirky Kiss and Tell lipstick range. This one is GF Goals 04 and it's same, it's just Vogue वाली जो थी. This one he is not mine shade, जो nude shade है ये थोड़ा सा watery consistency की तरफ है और ये थोड़ा सा ज़्यादा creamy consistency की तरफ है. I think so because of the pigments they have, otherwise yeah it's a very royal kind of red color. This is the only red color which suits me with and without makeup and just suits me so well. And इसको लगाने के बाद में मेरा complexion बहुत ज़्यादा bright नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा dull नहीं हो जाता, but it looks good on me. And yeah, that was my review cum suggestions for the lipstick that are under 300 rupees on MRP, but if you get it on a sale you will get it on a less also. So yeah, that was it. I hope you find this video helpful and useful. If yes, then like this video, share it with your friends and family and subscribe to my channel also. Bye bye.